सो गाइस, आज ना मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव प्लस एग्रेसिव मूव के बारे में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। आज का जो मूव है ना, उसको बोलते हैं हम ट्राइसेप प्रेस, या यू भी बोल सकता हूँ शोल्डर प्रेस। और इसको मास्टर कर लिया ना, तो आप एक बहुत ज्यादा डेडली प्लेयर बन जाओगे एंड अपना नाम कुछ खतरनाक प्लेयर में शामिल कर लोगे, क्योंकि एक टेक्निकल मूव है, साथ ही बहुत ज्यादा एक एडवांस मूव है। अटेंशन गाइस, इसको सिखाने से पहले मैं बता दूं, इस मूव को बिल्कुल भी आप नेक्स्ट डे ट्राई मत करना। मेरा क्या मतलब है, अभी आपने इस वीडियो में सीखा एंड मंडे ट्यूजडे जब भी आप स्कूल कॉलेज में जाओ, एक ही बार में आप इसको ट्राई करने लग गए असली मैच में, क्यों क्या होगा, क्योंकि ये एक सच में एक खतरनाक मूव है, एडवांस मूव है। ये इतनी आसानी से नहीं आता, महीनों की प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा लगन के बाद ये समझ में आता है, समझ में आता है। और अगर आप ऐसे ही करोगे, इंजरी की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कोई ऐसा ही आलतू फालतू मूव नहीं कि हम कहीं भी ऐसे आज हमने देखा एंड हम कल लगाने लगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको बॉडी मूवमेंट आनी चाहिए, थोड़ी टेक्निक आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको अपने टेंडन्स, ये जो टेंडन्स होते हैं ना डाउनवर्ड प्रेसेस में यूज होता है, वो भी आपको थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा, तभी प्रेस एक खतरनाक मूव कहलाता है। सो बिना आपका टाइम खराब करे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा ट्राइसेप प्रेस कैसे करना होता है, इसका मैं एक गेम प्ले भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर उसके बाद आपको यूजेस, काउंटर एंड देन लास्ट में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। सो स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ट्राइसेप प्रेस, शोल्डर प्रेस होता कैसा है, मतलब गेम में दिखता कैसा है, तो उसके बाद मैं फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे करते हैं। सो सबसे पहले गेम से शुरू करते हैं। सो ऐसे ग्रिपिंग लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, कुछ ऐसा होता है ट्राइसेप प्रेस। आपने मेरी मूवमेंट देखी होगी, कैसे मैंने शोल्डर कमिटमेंट करी एंड किस तरह से मैंने ट्राइसेप प्रेस परफॉर्म करा। तो अब आपको एक डिटेल में एक समझाता हूँ कैसे होता है। पहले एक स्लोमो में गेम हो जाए, मतलब सो आपको स्लोमो में गेम दिखाता हूँ कि स्लो में कैसा ट्राइसेप प्रेस दिखता है। सो ऐसा होता है, पोजिशन होती है, ठीक है, एंड जब गेम रेडी गो होता है, यहाँ पे हम कप करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, शोल्डर को बॉडी के सामने लाते हुए, जैसे मैं ला रहा हूँ शोल्डर को प्रेस, ठीक है। एक और बात, यहाँ पे कप के साथ साथ थोड़ा खींच पुल भी करना होता है, पुल के साथ साथ शोल्डर लाते हुए ऐसे बॉडी का यूज़ करा है मैंने यहाँ पे, ऐसे नहीं करना, ये तो हुक हो गया शोल्डर थोड़ा, तभी इसे हम शोल्डर प्रेस, ट्राइसेप प्रेस ये सब वर्ड से जानते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, एक छोटा सा मैंने आपको बताया, अब थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। डिटेल में क्या होता है, सबसे पहला ग्रिपिंग से शुरू करता हूँ। जैसे आपको पता है ग्रिपिंग में क्या करना होता है, ऐसे हमें ऐसे थंब पहले रखना होता है, थंब के बाद एक फिंगर, टू फिंगर, सॉरी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से थोड़ा हमें ना ऐसे मूवमेंट बनानी होती है, मतलब अपनी फिंगर को ऐसे प्लेस रखना होता है, इससे हम थोड़ा कप देंगे, ये देख रहे हो कप देंगे, यहाँ से हम कप भी देंगे साथ साथ इसी फिंगरों से हम पुल भी करेंगे। अभी समझाता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारी ग्रिपिंग तैयार। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वो दिया, स्पेस दिया एंड थोड़ा हमने राइज दिया हुआ है, देख रहे हो राइज दिया हुआ है, पूरा राइज नहीं देना, थोड़ा सा राइज देना है, ठीक है, डाउन नहीं करना, राइज देना है, राइज दिया हुआ है हमने एंड यहाँ से हम कप भी देंगे प्लेयर को, जो भी सामने हमारा अपोनेंट होगा उसको हम कप देंगे। कप क्यों देना है, क्योंकि हमें ट्राइसेप प्रेस मारना है, शोल्डर प्रेस मारना है। अब यहाँ से गेम होगा शुरू, जैसे ही रेडी गो होगा हमें इसी से यहाँ से कप देना है, कप के साथ साथ हमें शोल्डर कमिटमेंट लानी है एंड डाउनवर्ड प्रेशर का यूज़ करते हुए हमें हरा देना है। अगर आपको प्रेशर के बारे में नहीं पता तो इसके मैं वीडियो बनाएंगे, आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में, ठीक है। हाँ, सो अब डाउनवर्ड प्रेशर तो हमारा यहाँ क्या क्या यूज़ होगा, हमारा सबसे पहले यूज़ होगा कपिंग, जो मैंने बताया ग्रिपिंग सिखाई मैंने, कपिंग प्लस साथ में हमें थोड़ा सा शोल्डर कमिटमेंट नहीं देनी है एंड यहाँ से हमारा डाउनवर्ड प्रेशर यूज़ होता है, डाउनवर्ड प्रेशर के साथ साथ थोड़ा सा साइड प्रेशर भी, अगर बंदे ने आपका हाथ ही खींच दिया वो मैं काउंटर में ही बताऊंगा, ठीक है। हाँ, सो अभी मैंने आपको ग्रिपिंग दिखाई एंड आपको मैंने ये दिखाया कि यार कैसे आपको हाथ को यूज़ करना होता है, कैसे शोल्डर का यूज़ करना होता है। अब थोड़ा बॉडी मूवमेंट एंड स्टैंड पे आते हैं, तो बॉडी कैसे करनी होती है, बॉडी हमें देखो रेफरी क्या होगा ना वो सीधे ही करवाएगा, बट आपको थोड़ा ऐसे हाई एकदम जो बट अपना जो शोल्डर है ना सॉरी अपना जो एल्बो है आपको एकदम यहाँ पे एज पे, फ्रंट एज पे रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे रखते हुए, ठीक है, बॉडी को थोड़ा टिल्ट, मतलब ऐसे होता है ना एकदम पैरेलल ऐसे रखना है, बट शोल्डर को ऐसे रखोगे, ठीक है, थोड़ा ऐसे, क्योंकि हमें शोल्डर को ना मूव करना है, अभी सिखाऊंगा इस चीज़ को, बट अभी थोड़ा मूवमेंट बॉडी पॉस्चर पे आते हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा ऐसे रहना ऐसे है, बट शोल्डर को यूँ रखनी है, ठीक है, ऐसे रखनी है। आपको एक बार स्टैंड कराता हूँ, स्टैंड में क्या रहता है ना, ऐसे हील्स पे आना है एंड मतलब एक फ्रंट आपको जो राइट है, राइट आपका राइट हैंड यूज़ करोगे, राइट पैर को आगे करना है एंड हील्स पे थोड़ा आ जाना। अगर आपकी हाइट छोटी है तो स्टूल ले सकते हो आप, कॉम्पिटिशन में स्टूल्स होता है, स्टूल्स का यूज़ कर सकते हो, उससे आपको एक एज मिलेगा। एज क्या मिलेगा, आपको शोल्डर थोड़ा ऊँचे फील होंगे ना, तो आप ऐसे ट्विस्ट अच्छा कर पाओगे, शोल्डर को आगे अच्छे से ला पाओगे, तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। सो ये था हमारा ग्रिपिंग,
बॉडी पोस्चर एंड स्टैंस मैंने आपको बताया, स्टैंस में पैर एक आगे एक पीछे एंड हील्स पे, थोड़ा सा हील्स पे रहोगे ना थोड़ा शोल्डर उठती रहेगी, जितनी उठती रहेगी उतना आपको सही रहेगा, उतना आपको खुद ही एक कंफर्ट पोजिशन फील होगी जब ट्राइसेप प्रेस मार रहोगे। सो अब यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, पहले तो कपिंग रखनी है यहाँ पे, थोड़ा ग्रिपिंग में एक अच्छी कपिंग रहनी चाहिए, ठीक है। एंड अब यहाँ से बॉडी पोस्चर ऐसे बट शोल्डर को सीधा करना है क्योंकि रेफरी बोलेगा, कौन सी बात है। सो अब यहाँ से हमें यू मारना है, ये होता ना ये जो चीज़ है इसे हमें अपोनेंट के यहाँ मारना है, धूम मारना है, ठीक है। यहाँ से मार के कब देना है एंड कब दे देते शोल्डर कमिटमेंट सामने लानी है, ये शोल्डर देख रहे हो, इस शोल्डर को नोटिस करना, ठीक है। ऐसे सामने आई, अब यहाँ से हमें डाउन प्रेशर देना है, आई होप आपको समझ आया हो। सो एक और बात, यहाँ से कप कप दे के यहाँ पे थोड़ा शोल्डर, कप के साथ शोल्डर, सॉरी कप के साथ शोल्डर एंड यहाँ से डाउन प्रेशर। अब बंदा तो वो नहीं होगा कि वो आप ये सब करो और वो करने दो करने देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो आपको थोड़ा सा खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, आपको थोड़ा खींचेगा, देख रहे हो ये कपिंग ऐसे तोड़ने की कोशिश करेगा, बट आपको उसको थोड़ा जैसे यहाँ पे कपिंग देखें थोड़ा खींचना है अपनी तरफ, खींच भी सकते यहाँ पे ऐसे करके, बंदा आपका हाथ खींचेगा उस तरफ खींचेगा कोशिश करेगा, बट आपको उसे कप लेके मार देना है, ठीक है। वो खींचने की कोशिश करेगा बेसिकली, जब ऐसे मार रहा होगा तो खींचने की कोशिश करेगा, बट आपको उसे कपिंग दे 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 के आपको वहाँ पे ट्राइसेप प्रेस अपना करना है, ठीक है, समझा। सो ये था हमारा पूरा ट्राइसेप प्रेस। एक बार और आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ स्लोमो में। सो अब जैसा कि जस्ट अभी सीख के आया हूँ मैं अपनी वीडियो से अपनी वीडियो से मैं सीख के आया हूँ एंड अब मैं परफॉर्म करूंगा, तो मैं क्या, तूने कहा था देख के ही तुरंत परफॉर्म नहीं करना। इसको सिखाने से पहले मैं बता दूं, इस मूव को बिल्कुल भी आप नेक्स्ट डे ट्राई मत करना, मेरा क्या स्टार्ट तू लो। सो एक बार और आपको ट्राइसेप प्रेस करके दिखाता हूँ, जैसे जस्ट मैंने अभी जस्ट सीखा है ऐसा दिखाता हूँ, ठीक है। सो आपको भी समझ आएगा। सो लाइक क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, सबसे पहले कपिंग, एक अच्छी ग्रिप लेनी है जिसमें आपको एक फील हो कि आप कप कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, बॉडी पैरल रखनी है बट ऐसे शोल्डर आप रेफरी के लिए रखने हैं, हाई रहना है, लो नहीं खेलना, हाई रहना है ताकि आप शोल्डर सामने जल्दी ला पाओ, ठीक है। एंड सो जैसे गेम स्टार्ट हो ऐसे कप करके हमें डाउनवर्ड प्रेशर के साथ बूम खत्म कर देना है। सो गाइस यही था ट्राइसेप प्रेस, शोल्डर प्रेस जिसे हम कहते हैं। आई होप आपको समझ आया हो कैसे करना होता है मूव। अगर इतना कॉम्प्लेक्स मूव मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करा, सिंपल वे में समझाने की कोशिश करा, अगर समझ आया हो ना तो कमेंट कर देना। सो अब आते हैं गाइस, इनको किन किन सिचुएशन पे ना ट्राइसेप प्रेस बेस्ट रहता है यूज करने का, कौन से सिचुएशन पे बेस्ट रहता है ट्राइसेप प्रेस को यूज करना, तो यूजेस पे आते हैं, यूजेस पे। सो एक तो ट्राइसेप प्रेस अगर आप सीधा मारना चाहते हो, मतलब आप सीधा ट्राइसेप प्रेस करना चाहते हो, ट्राइसेप प्रेस के प्लेयर बनना चाहते हो, वो तो सिचुएशन अलग हो गई, आपको ट्राइसेप प्रेस ही करना है। अब एज अ टॉप रोलर अगर या एज अ हुकर आप फंस जाओ किन सिचुएशन पे, देखो मान के चलो मैं गेम यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, इस एंगल पे बहुत अच्छा उनका डिफेंस होता है। अगर आप यहाँ फंसे हुए हो, बहुत देर से फंसे हुए हो, ठीक है, हुक में फंसे हुए हो या टॉप रोल में फंसे हुए हो, तो आप क्या कर सकते हो, डेवन लैरेट को आपने देखा हो करते हुए, वो क्या करते हैं, वो ऐसे आके ट्राइसेप प्रेस से गेम खत्म कर देते हैं, मतलब ट्रांजिशन करते हैं। यहाँ पे फंसे हुए एंड वो बंदा बहुत तड़ा हुक लगा रहा है, मतलब उसने गेम अटका रखा है, वो हार ही नहीं रहा उल्टा गेम ला रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शोल्डर थोड़ी सी लाके हरा सकते हो, ये बहुत ज्यादा एक एडवांटेजियस चीज है, मतलब ये होता ना एक बैकअप ऑप्शन। सो अगर आपका भी यहाँ पे गेम फंसा हुआ है एंड उसने या फिर डिफेंसिव टॉप लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप यहाँ से अपनी शोल्डर लाके प्रेस पे ट्रांजिशन करके उसे हरा सकते हो। तो इसका यूज, जो बेस्ट यूज मुझे लगता है, जो मैं भी यूज करता हूँ, सब यूज करते हैं, ठीक है। सो अब इसी ट्राइसेप प्रेस शोल्डर प्रेस को काउंटर कैसे करता है, अगर सामने वाला ट्राइसेप प्रेस खेल रहा है तो उसे काउंटर कैसे करना है, दो सिनेरियो होंगे। पहला तो यार आपको पता नहीं कि वो ट्राइसेप प्रेस खेलता है, आपको सरप्राइज मिले। दूसरा तो ये होगा कि आपको पता है कि वो ट्राइसेप प्रेस खेलना है, तो आपको क्या करना है, पहला सिचुएशन में आते हैं, ठीक है। मान के चलो सामने वाला प्लेयर ने आपको यूं ट्राइसेप प्रेस की ट्रांजिशन में आई गए, आपको समझ आ गया कि ट्राइसेप प्रेस लगने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिफेंसिव टॉप रोल दे सकते हो या फिर अपनी तरफ से खींच सकते हो, ठीक है। देखो मान के चलो उसने यहाँ पे आपको ट्राइसेप प्रेस दे दिया, तो ऐसे कोई आपको ट्राइसेप प्रेस मारे तो ये जो एंगल देख रहे हो उसने कितना क्लोज कर लिया है, इसको खींचना है, इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, ये तो सीधी बात है, बट जब वो आपको ऐसे मार रहा होगा ना तो यहीं से आपको खींचना है, ठीक है। एल्बो से बाहर ना हो जाए, एल्बो फॉल हो जाएगा, बट आपको जब भी वो ऐसे मारे, जैसे यहाँ से गेम शुरू होगा, यहाँ से मारना शुरू करेगा, खींचना है, या तो ऐसे प्रोनेशन मार सकते हो या तो हुक में ले आ सकते हो।
दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है और थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। इस चीज में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, रिएक्शन टाइम तेज होगा तभी खींच पाओगे। दूसरा, आपको पता है कि वो ट्राइसेप प्रेस खेलता है, फिर तो बहुत सही चीज है। मोस्टली क्या करते हैं टॉप रोलर, जिनको पता होता है कि यार सामने वो खेल रहा है तो वो भी रेडी रहते हैं, ठीक है। जो मैंने वीडियो लाया था ना डिफेंसिव टॉप रोलर पे कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम, उसमें मैंने डिफेंसिव टॉप रोलर बताया था, तो वही मारना होता है। जैसे अब ये मारने आएगा, गो ठीक है, गो यूं करके, यूं आ गया, ये फ्लॉप में ही चला गया। अब इसमें दम होगा तो उंगली से प्रेस मार देगा, दम ना हुआ तो मैं इसको मार दूंगा। तो एज अ टॉप रोलर आप रेडी रह सकते हो कि मतलब बूम खींचना है इसके हाथ को, जैसे पकड़ो, जैसे ट्राइसेप प्रेस मारेगा, गो, ऐसे आप काउंटर कर सकते हो बहुत प्यार से ट्राइसेप प्रेस को, बहुत प्यार से नहीं, थोड़ा ट्रेनिंग लगेगी आपको भी, सो बट हाँ हो जाएगा। सो यही था काउंटर। सो अब सब कुछ कवर करने के बाद गाइस, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मतलब एक्सरसाइज क्या लगानी है, मतलब कैसे इस ट्राइसेप प्रेस को स्ट्रॉन्ग करना है, बढ़िया से बेहतर कैसे करना है। सो जैसे कि मैंने बताया, ट्राइसेप प्रेस इनसाइड पुलिंग का एक सबसे ज़्यादा एक एडवांस मूव है, तो आपको बेसिक हुक एंड थोड़ी कपिंग तो आनी चाहिए। इसके लिए जो हमें मेन प्रेशर ट्रेन करना होता है वो होता है हमारा डाउनवर्ड प्रेशर, जैसा कि मैंने बताया। सो इसको ट्रेन करने के लिए आप या तो रेसिंग बैंड यूज़ कर सकते हो, या तो पुली का यूज़ कर सकते हो, या तो आप ट्यूब जो होती है ना उसका यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ बता दूँ, आप रेसिंग बैंड या मतलब कुछ भी अगर यूज़ करोगे ना, थोड़ा वार्म अप करके करना ये जो ट्राइसेप जो एक्सरसाइज बताऊँगा। तो क्या है रेसिंग बैंड के लिए, तो ये है, ये ऐसे आना है आपको ट्राइसेप प्रेस की पोजीशन में आना है, ठीक है, एंड ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है डाउनवर्ड प्रेशर। इससे जो यहाँ पे ना खूब स्ट्रेच पड़ेगा, जैसे मेरे ही पड़ रहा है, तो यहाँ पे खूब स्ट्रेच पड़ेगा क्योंकि हमें आर्म रेसिंग में डाउनवर्ड प्रेशर की उतनी आदत नहीं होती, तो थोड़ा पेन आएगा, ठीक है, करते हुए। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एकदम हैवी पुली पे ट्रेन मत करना, पुली तो ये रहा, एंड पुली पे हम कुछ ऐसे ट्रेन करते हैं, एंड मैं बता दूँ पुली पे ट्रेन करना थोड़ा सा मतलब ढंग से करना, एकदम हैवी वेट का यूज़ मत करना, इंजरी आ जाएगी। सो इसको ऐसे करके हमें डाउनवर्ड प्रेशर को ट्रेन करना होता है, बट थोड़ा सा सतर्क रहना। सो ये थी आज की वीडियो गाइज, और मैं फिर से बता दूँ ये एक एडवांस पुलिंग का मूव है, तो इसको थोड़ा सा बच के करना, बिल्कुल ऐसे मत कर देना कि मतलब आज आपने वीडियो देखी एंड कल आप करने लग गए। बिगनर्स पे मत करना, जो थोड़े आपसे वीक हैं उन पे मत करना, एंड थोड़ा सीख लो, सीखने के बाद करना, एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ करना जो प्रोफेशनली आर्म रेसलिंग करते हैं, वरना इंजरी आपको भी हो जाएगी या उनको हो जाएगी, किसी को भी हो जाएगी। और ये बोलूंगा कि हैव अ सेफ आर्म रेसलिंग। तो दिस में तुषार, मैं लेता हूँ आपके लिए विदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।